इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग फर्स्ट अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वेल बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। वीडियो थोड़ा सा फास्ट रखते हैं हम जान के, क्योंकि क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ए क्विक रिवीजन। सो फॉर्मूला से इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे बच्चों आपको कॉग्स दिए है और नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिए है। आप जानते हैं जीएनपी हो जाएगा दिस, जीपी रादर 6 लाख माइनस कॉग्स 5,40,000, दैट्स 60,000। याद करो कॉक्स क्या था, सेल्स माइनस जीपी, तो जीपी क्या होगा, सेल्स माइनस कॉक्स। जीपीआर दैट्स ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स विच इज 6 लाख इनटू 100 एंड मेरा बचा योर आंसर 10%। आगे बढ़ते हुए मेरा बचा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपी दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया, सेल्स रिटर्न भी दिया, जीपीआर निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स दैट इज 5 लाख इंटू 100, दैट्स 10%। अब कुछ बच्चों का दिमाग में सवाल आएगा, सर सेल्स रिटर्न क्यों नहीं लिया? मेरे बच्चों मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी नेट सेल्स है, तो अगर नेट सेल्स है तो आपको सेल्स रिटर्न माइनस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, नेट सेल्स दिया है, जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, तो यहाँ पर वो जो मैंने टेबल सिखाई थी पीछे वो काम आएगी आपको। सबसे पहले जीपी निकालिए, सेल से कॉस्ट जा रही है, नंबर में सेल दिया, परसेंटेज में कॉस्ट, तो ऐड कर देते हैं, रिमेंबर दैट हो गया 80,000। सो जीपीआर, वेल जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 एंड योर आंसर 20%। फोर्थ क्वेश्चन, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल गिवन है और भी काफी सारी चीजें हैं, सो लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट हम एक काम करते हैं, आई थिंक वी ऑल शुड अग्री कि टोटल सेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, राइट? यस सर। कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल, लेट द टोटल सेल्स बी एक्स, कैश विल बी एक्स बाय 5, 20/100, 1/5 एंड क्रेडिट सेल्स का अमाउंट गिवन है 5 लाख। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इस प्रकार अब दिखेगा हमें, 4x/5 इज इक्वल टू 5 लाख, एक्स इज इक्वल टू 5 लाख इन टू 5 अपॉन 4, इट इज गोइंग टू बी 6,25,000। या ये आ गया हमारे पास सेल्स। अब मैं इधर ही कर देता हूँ बाकी का भी। अब मेरे बच्चों ध्यान लगाइए, कॉक्स, कॉक्स होता है परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। इफ़ यू आर वंडरिंग सर ये कैसे हो गया, पुरानी वीडियोस देख लो, पुराने रेशियोज में मैं बता चुका हूँ ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है, जब मैंने कॉक्स वाला कराया था आपको, स्पेसिफिकली स्टॉक टर्नओवर रेशियो का वीडियो देखिए उसके लिए। ये हो गया 3,75,000, ठीक है। अब जीपी निकालो, जीपी क्या होता है, सेल्स माइनस कॉक्स, अभी पीछे बताया था तुमको मैंने, ये कितना आ गया सर, ये आ गया 2.5 लाख। अब जीपीआर निकालो, जीपीआर का फॉर्मूला सर, दिस जीपी अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, ठीक है जी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पीछे 25 है भाई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 40%, ठीक है। स्मार्ट खेलिए एंड यू विल एंजॉय दिस। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट जीपीआर, क्रेडिट सेल्स दिया है, परचेजेस दिए है, कैरिज इनवर्ट दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, रिटर्न आउटवर्ट दिया है, वेजेस दिया है, रेशियो ऑफ क्रेडिट टू कैश सेल 4:1। ओके बेटा, क्रेडिट सेल्स कितना दिए सर, 5 लाख। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन है, रेशियो ऑफ क्रेडिट टू कैश सेल इज 4:1, यानी 4 गुना ज़्यादा है इन अ वे आपका क्रेडिट सेल कैश सेल से, तो कैश सेल हो जाएगा मेरा बेटा 1,25,000, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, 4 times ज्यादा है ना, तो 4 से डिवाइड किया मैंने 5 लाख को, तो इससे मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। इसको अब आप कर दो साइड, ये हो गया आपका 6,25,000, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं कॉक्स पर। वेल कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यार एक बात बता, अगर ओपनिंग स्टॉक 15,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, तो क्या मैं ये बोलूँगा डिक्रीज हुआ है स्टॉक 10,000 से? सर रिपीट करो, ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ स्टॉक डिक्रीज हुआ है बाय 10,000? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसलिए अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज 3 लाख दिए, डिक्रीज इन स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ओपनिंग ऐड होता है क्लोजिंग माइनस, डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग से ज़्यादा है, तो इसलिए प्लस वाला डोमिनेट करेगा। इसके बाद परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड जो है ये माइनस करूंगा, परचेज में से माइनस होने चाहिए,
इसके बाद वेजेस ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज इनवर्ट भी ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा। तो ये मेरे पास इस वक्त जो आ रहा है ये कैंसिल ये हुआ 3,60,000। अब मेरा बेटा जीपी निकाल ले, जीपी हो जाएगा 6,25,000 माइनस 3,60,000, 40 40 और 2,25 2,65, ठीक है। अब जीपी आप निकाल ले बेटा, 2,65 अपॉन नेट सेल्स 6,25,000 इंटू 100, और ये आ गया बेटा 42.4%। मैं तेरे को पहले बोला वीडियो फास्ट रहेगी क्योंकि तेरे को ऑलरेडी आता है, तो उन्हें तो एक क्विक रिव्यू लेना है, और अगर फास्ट नहीं समझ पाएगा तो यानी तेरी कमांड कम है। तूने तो यूं करना है एकदम चुटकी बजाते ही कि हाँ सर ये क्लियर है मेरे को सारे कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, एवरेज स्टॉक दिया, आईटीआर दिए और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज कर लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है सर? कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक। कितना दिया सर? 8। कॉक्स सर कॉक्स मालूम नहीं, एवरेज स्टॉक कितना दिया सर? 1,00,000। तो कॉक्स कितना आ गया सर? 8,00,000। बढ़िया। अब जीपी क्या दिया? 25% ऑन कॉस्ट। तो बेटे कॉस्ट से कॉस्ट ही तो जा रहा है, हाँ जी। तो 25/100 और ये हो गया 2,00,000, ठीक बात, क्लियर है। अब मेरे बेटा देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड यू विल बी थ्रू। मैं यहां कर देता हूं बाकी का क्वेश्चन। यार एक बात बताओ, सेल्स क्या हो जाएगा? कॉक्स प्लस जीपी, 8,00,000 प्लस 2,00,000, 10,00,000। अब जीपीआर का फॉर्मूला, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, आंसर 20%। तो पहले जो रेशो दी हुई है उसको साइड कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन भी बहुत धमाकेदार है, मजेदार। एवरेज स्टॉक दिया, आईटीआर दिया, चलो। तो पहले तो वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 times, कॉक्स मालूम नहीं, एवरेज स्टॉक 3,20,000, कॉक्स को लेके साइड कर लो, 3×8=24 बेटा 25,60,000, इसको साइड कर लिया। अब दिया एवरेज टीआर और टीआरटीआर रेशो। तो आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 6 times है। फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स जो कि हमें गिवन नहीं है, अपॉन एवरेज टीआर जो कि 4,00,000 है। तो नेट क्रेडिट सेल्स आ गई 24,00,000, ठीक है। अब बेटा आपको क्या दिया? कैश सेल 20% ऑफ नेट सेल, तो लेट द टोटल सेल्स बी एक्स, कैश सेल्स x/4 और क्रेडिट सेल्स 24,00,000। ये हो गया x-x/4=24,00,000, ये हो गया 3x/4=24,00,000, x हो गया 24,00,000 इंटू 4/3। तो अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आगे का। तो बेटा ये सॉल्व कर रहा हूँ ना जब मैं, तो ये आ रहा है 32,00,000, x=32,00,000, ठीक है। अब जीपी निकाल लें, जीपी क्या होते हैं सर? नेट सेल्स विच इज 32,00,000 माइनस कॉक्स विच इज 25,60,000, यहाँ से तो ये आ गया 6,40,000, ये जीपी आ गया, हाँ सर आ गया। अब जीपीआर निकाल लेना दोस्त, सर जीपीआर का फॉर्मूला, वेल जीपीआर का फॉर्मूला जीपी विच इज 6,40,000 अपॉन नेट सेल्स विच इज 32,00,000 इंटू 100, आंसर 20%। क्लियर मेरे बेटा? बढ़िया क्वेश्चन था ना बेटा। नेक्स्ट रेशियो इज नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला है बेटा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड व्हाट नॉट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ टोटल सेल्स के लिए। तो आपको पता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो मेरे पास नेट सेल या टोटल सेल्स यहाँ पर आ गई 5,00,000। अब मैं जा रहा हूँ नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है, मैं सीधा लिख लेता हूँ, 1,00,000 माइनस जितने भी खर्चे हैं माइनस कर दो, 25,000 और ये 5,000 प्लस जितने भी इनकम है ऐड कर दो। इसको ऐसे विजुलाइज करो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तुम, अभी मैंने पार्टनरशिप में भी सिखाया था, 11th में फाइनल अकाउंट्स में भी सिखाया हमने। ट्रेडिंग से जीपी निकलता है, फिर पीएनएल पे आता है वो जीपी, फिर सारे खर्चे आप माइनस कर देते हो इनडायरेक्ट, और जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट में ऐड कर देते हैं, याद करो इंटरेस्ट वगैरह, कमीशन रिसीव्ड, वो सब ऐड कर देते थे। सेम फंडा, जीपी में से सारे खर्चे माइनस सारी इनकम ऐड, ये बच गया 1,00,000 ही। तो अब एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट 1,00,000 अपॉन नेट सेल्स 5,00,000 इंटू 100, आंसर 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट सेल्स दिए और एनपी दिए, तो हमें एनपीआर निकालना है। आई थिंक
यू कॉन्ट गेट एन ईजियर क्वेश्चन देन दिस. सो 1:20 अपॉन 12 लाख इन 200 एंड दैट्स योर आंसर 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स दिया है. अब नेट सेल्स दिया तो रिटर्न का तो कोई यूज है नहीं, फिर कॉग्स दिए और बाकी खर्चा वगैरह दिए हैं. तो बेटा एक बात समझ लो, यहाँ पर जब आप एनपी निकालोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नेट सेल्स ले लोगे, नेट सेल्स माइनस कॉग्स. माइंड इट, ये तो जीपी दे देगा ना, सेल्स माइनस कॉग्स जीपी दे देगा. अब उसमें फिर उसके बाद वही तरीका, सारे खर्चे माइनस सारी इनकम ऐड. ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,09,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी पे करती है माइनस एक्सपेंस है ना, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड. तो काका तेरे पास जो एनपी आया यहां पर वो आया 1,31,500. अब एनपीआर का फॉर्मूला लगा दे, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स 8,20,000 इंटू 100, ये सॉल्व करके आ रहा है 16.04 राउंड ऑफ. सो दिस इज हाउ नेट प्रॉफिट कैन बी सीन.